Hey guys, welcome back to this classic food tour of Kerala. Last week we saw my aunt is cooking the staple delicious dishes here. Now it's my time to try my hands on it and get it reviewed. Let's start by shopping. So, कल के कुक ऑफ के लिए सामान लेने चले। हाँ, फेनल सीड्स। एटा और 50 ग्राम्स। ग्राम्स जीरे का बोले ना आंटी। हाँ, जीरे। ये फ्लेवर आई थी। फेनल। हाँ, शेरिया। फेनल। हाँ। इधर बड़ा मार्केट में क्या मिले? बीच मार्केट। When buying mussels, make sure it's slightly closed. The first basic thing. आगे का I'll let you know. Let it go. Come. And it's the judgment day. Oh, good morning, guys. So today was supposed to be the cook-off day, but as expected, जबरदस्त बारिश गिरा है. So this is our spot for the cook-off. So बारिश तो रुक नहीं रहा है, बढ़ते ही जा रहा है. But अपना एक जुगाड़ हो गया है. So we'll just check it out. Because the show must go on. Gas तो नहीं, चूल्हे पे ही बनाएंगे. बस घर के अंदर थोड़ा सा जगह बन गया है. So let me just brief you up with the menu that I'll be cooking today. दो तीन दिन से केरला का बहुत खाना देखा जो घर पे ही बन रहा है, जो मेरे आंटी लोग हैं बहुत अलग अलग डिशेस बताए मेरे को. बट जो मेरा आज का मेन्यू है वो अच्छे से जस्टिफाई करेगा जो यहाँ का खाना है, जो स्टाइल है, जो यूज़ केस है. एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज़ मैं यहाँ आके कभी कुकिंग किया नहीं हूँ. दे नो मी वेरी वेल एस कि मैं बाहर का वो काम किया हुआ, आई एम अ शेफ एंड ऑल. इवन दे आर एक्साइटेड कि ये बना रहा है योगेश यार, यहाँ का खाना कैसे होगा, क्या होगा. एंड जो आज का मेरा मेन्यू है, फ्यू ऑफ द डिशेज इवन दे हैवंट ट्राइड, दे हैव हर्ड ऑफ इट. बहुत एक्साइटिंग होने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट विद द चट्टी पतीरी, विच इज़ बॉयल वॉयल करोगे चिकन, पोटैटोज, फॉरेस्ट चेंज यानी कुछ भी, तो मेक श्योर थोड़ा सा सॉल्ट डाला करे. टेस्ट में बहुत फ़र्क पड़ता है जो एंड प्रोडक्ट है आपका, नहीं तो ब्लैंड होगा आपका. चट्टी पतीरी इज़ सिमिलर टू अ लज़ानिया, इटालियन लज़ानिया. लेयर डिश है तो मोस्टली यहाँ पे डेजर्ट बोल के जाता है कोकोनट जैगरी के साथ. बट हम लोग आज सेवरी वाला बना रहे हैं जो उसका अदर वर्जन है, जहाँ पे चिकन जाएगा अंदर. तो बोनलेस चिकन जो बॉयल हुआ है, आई एम सेविंग द वाटर, आई विल नॉट बी डिस्कार्डिंग इट, बिकॉज ये जो बॉयल होता है सामान उसका, इट्स कॉल्ड अ स्टॉक, तो बहुत फ्लेवरफुल होता है, बहुत एक तगड़ा बेस देता है. सो आई एम नॉट मिसिंग इट. तो क्विकली चिकन को श्रेड कर देते हैं, एकदम फाइन नहीं करूँगा, थोड़ा दाना दाना रखूँगा तो थोड़ा सा एक बाइट मिलेगा. सो अभी जो पतीरी का जो चट्टी है, जो चिकन है, अंदर का स्टफिंग है लज़ानिया का, उसे हल्का सा टॉस कर लेते हैं स्पाइसेस के साथ. थोड़ा शैलेट, जिंजर गार्लिक चॉप, ग्रीन चिली, करी लीफ. सो यहाँ गावों में शैलेट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, जो अनियन से उससे ज़्यादा शैलेट्स यूज़ किया जाता है, चेरी उल्ली बोलते हैं यहाँ पे. बहुत एक अलग एक फ्लेवर बेस देता है, बहुत ज़बरदस्त. थोड़ा मेहनत है इसमें हमारा. अभी आएगा चिकन, थोड़ा सॉल्ट, थोड़ा टर्मरिक, चिली पाउडर, हल्का सा गरम मसाला. बंदा ही पूर्ण इला चालू चालू. तो रेडी है अपना मिक्सचर. इसका फ्लेवर आपको दमदार रखना है, बिकॉज मेन फ्लेवर बस ये है, बाकी तो बस सेटअप है. फिनिश इट ऑफ विद सम कोरिएंडर. स्टफिंग तो रेडी है, उसका पतीरी रेडी करते हैं. मैदा डाला, थोड़ा सॉल्ट. सो पतीरी इज़ बेसिकली एन इंडियन ब्रेड दैट इज़ स्पेसिफिक टू केरला. सो बेसिकली पतीरी इन दिस डिश विल एक्ट एज अ लज़ानिया शीट. जितना थिन होगा उतना अच्छा होगा, और मैदा है सो यू डोंट हैव टू वरी, एकदम वो लेयर पकड़ के रहेगा उसका. सो जो पतीरी का रोटी है उसका साइज बर्तन पे डिपेंड होता है. सो हमारे पतीरी रेडी है, तो बिफोर सेटिंग इट दोनों साइड में हल्का सा पकाना पड़ेगा. सो विल जस्ट मेक अ स्पाइस्ड एग मिक्सचर फॉर आवर चट्टी पतीरी दैट विल हेल्प टू बाइंड इट. इसमें जाएगा ज़रा सॉल्ट, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा मिल्क. सेटिंग करते हैं, हम ध्यान से देखना सेटिंग कैसा हो रहा है. ऑयल से अच्छा सा ग्रीस कर लेंगे इसको. इसको अच्छा इवनली स्प्रेड करना है, तो आपको हर बाइट में इतना बंदा ही पहले चालू है ना पापा. अभी आएगा सेकंड लेयर, अभी सबसे लास्ट वाला लेयर ऊपर. लगे हाथ मेरे पापा प्रोफेशनल हो रहे, एकदम खाना वाना खुद से एंगल ले रहे, दैट्स अ गुड साइन.
हल्का सा ऊपर से मैं इसको एग ऊपर और साइड से एग्स डालूंगा मैं। पापा नोकना ले ले। हाँ तो शुरुआत में डायरेक्ट फ्लेम में आएगा, एक एक 5 मिनट ऐसा होगा, एक नीचे से एक बेस मिलेगा, उसके बाद ये डबल इस पर पकेगा कम से कम एक 25 to 30 मिनट्स। पकने जैसा है कुछ नहीं, द मेन थिंग इज इट अच्छे से सेट होगा। तो ऑलमोस्ट एक 15 से 20 मिनट्स हुआ है, सो आई गेस आई शुड फ्लिप इट नाउ। फ्लिप करके अच्छे से सियर करेंगे इसको, शैलो फ्राई करेंगे। अपना जो स्टफ लाजानिया है केरला स्टाइल चाती पतीरी, एक फाइनल सियर होगा। That is what we are looking for. That sear that you see, that does wonders. Our next dish is a speciality that showcases the best use case of rice powder and spices. It's called pidiyum koyyum. So let's get started by making a flavorful stock for our pidis. As it starts boiling, use some of your stock to make pidis. Add in the rice powder. डो अच्छे से इसको टाइट करके बना लिया है। ध्यान से देखना, थोड़े भी क्रैक्स नहीं दिखेंगे आपको। दैट इज़ अ साइन दैट इट्स डन वेल। एकदम टाइट करके करना है, नहीं तो पानी में पूरा दम तोड़ देगा वो। सिमिलर साइज रखोगे तो एक साथ पकेगा। सो ये एक 5 से 10 मिनट सिमर होगा, अंदर से पक जाएगा अच्छे से। उसके बाद इसको हम जो कोकोनट मिल्क का स्लरी है, तो स्लरी क्या है बेसिकली, स्लरी इज़ अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड फ्लार, चाहे वो कॉर्नफ्लावर हो, राइस फ्लावर हो, मैदा हो। पिड़ी है पिडिम कोयम का, वो पिड़ी कुक हो चुका है, उसका जो पानी है, ग्रेवी है, अच्छा कॉन्सेंट्रेट हुआ है। उसे हल्का सा रिच करेंगे थोड़ा सा कोकोनट मिल्क, और जो स्लरी बनाया था राइस पाउडर और कोकोनट मिल्क का, उससे उसका ग्रेवी रेडी करेंगे। सो पिडियम कोयम पिड़ी अपना रेडी है, और जो कोई बन रहा है एकदम अपने गाँव के नाडम स्टाइल में बन रहा है, तो नाडम स्टाइल में भी 2-3 स्टाइल है, बिकॉज दिस क्यूजिन इज़ वेरी वास्ट। तो हम एक अच्छा एक इंटरेस्टिंग स्टाइल से बना रहे हैं, सो इट्स क्वाइट यूनिक। जब मैंने तरीका देखा था, मेरे को बहुत इंट्रिक किया, बहुत एक्साइट किया। सो आई एम ट्राइंग इट दैट वे नाउ। सॉल्ट, टर्मरिक, अभी मसाले फिलहाल कम ही डाल रहा हूँ, क्योंकि इसके आगे और एक तगड़ा वाला एक मसाला पड़ने वाला है। करी लीफ, ग्रीन चिलीज, शैलेट्स और गार्लिक। तो चिकन अभी अपने ही जूसेस में थोड़ी देर पकते रहेगा। ये हल्का सा जब सियर होगा तो इसमें हम ये स्टॉक डालेंगे। अगर आपको याद होगा जो चिकन बॉईल करके पानी बचा के रखे थे, चिकन स्टॉक जितना कम से कम हो सके मिक्स करना एकदम लाइट हैंड से, नहीं तो आपको पूरा टुकड़ा टुकड़ा दाने दाने मिलेंगे। चिकन हाफ वे डन है, इसका भी एक अच्छा सा एक मसाला बनाएंगे मिक्सचर, जिसको ग्राइंड करके उसमें डाला जाएगा। सो लेट्स जस्ट गेट टू इट। देखो ऑयल छोड़ा है उसने एकदम ज़बरदस्त, आपने देखा होगा मैंने थोड़ा भी ऑयल नहीं डाला था उसमें। इट इज़ प्योर जो चिकन का ऑयल निकला हुआ है, कोकोनट ऑयल। हल्का सा ब्लैक पेपर इसमें डालूंगा, फेनल, शैलेट्स, गार्लिक, ग्रीन चिलीज और आएगा करी लीफ। हल्का सा जिंजर इसमें डालूंगा, स्लाइटली ब्राउन हो जाए, उसके बाद इसमें डालेगा कोकोनट, थोड़ा सॉल्ट, थोड़ा टर्मरिक पाउडर, थोड़ा चिली पाउडर। कोकोनट जैसे ही अपना एरोमा छोड़ दे, देन इट्स डन। उसे उठा देंगे, अच्छे से पीस देंगे उसे। ग्राइंडिंग के टाइम आई विल ऐड लिटिल कोरिएंडर टू इट। दिस इज फ्लेवर, सो हमें फ्लेवर को नहीं छोड़ना है, वी आर नॉट लेटिंग द फ्लेवर्स गो। इसे यूज़ कर रहा हूँ, एवरी थिंग इज इन हियर, वेस्टेज भी नहीं है। अरे वाह, वेरी नाइस। There it is. तो उसे दाना दाना ही लग रहा है, एकदम फाइन नहीं कर रहे, तो उतना वो टेक्सचर देगा आप जब खाओगे, और पीड़ी के साथ बहुत अच्छा सूट करेगा। पिसा हुआ मसाला जा रहा है इसमें, बस एक मसाला के साथ थोड़ा सा पका देंगे इसको, और एक आई गेस लास्ट के 10 मिनट नाइस परफेक्ट। सॉल्ट वॉल्ट कुछ ज़रूरत नहीं है, इट्स परफेक्ट। एंड स्पाइस का ज़बरदस्त एक किक लग रहा है, जो पेपर डाले थे हम, बढ़िया लग रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। इवन वो फाइनल का जो एक अभी मैं किसी को बताऊंगा नहीं क्या है इसमें, लेट देम हैव इट एंड टेस्ट इट देमसेल्व्स। सो अपना नेक्स्ट आइटम है कलमकाई निरचेदी। वी विल स्टार्ट विद आवर स्टफ कलमकाई मसल।
यूजुअली आप जब फ्रेश मसल्स खरीदते हो इट हैज़ टू बी टाइटली क्लोज जैसे मैंने कल बताया था एंड व्हेन यू कुक दैट इन बॉइलिंग वाटर इट विल ओपन अप और जब बॉइल करने के बाद नहीं ओपन होता यू हैव टू डिस्कार्ड देम तो अभी मैंने ये एक्चुअली एक अलग एक टेक्निक है वेर इन यू कीप इट इन द चिलर में रखोगे तो खुद से एक ओपनिंग हो जाएगा उसका अच्छे से ब्रश कर दिया हमारे मसल्स को नाउ देयर इज अनदर प्रोसेस इसके बाद का क्लीनिंग ओपनिंग थोड़ा छोटा है हम पूरा निकाल नहीं रहे बिकॉज वी आर अबाउट टू स्टफ इट यूजुअली एक शक्ल होता है दैट इज स्पेसिफिकली फॉर ओपनिंग ऑफ द शेल्स सो व्हाट वी विल डू इज यूज द बैक ऑफ अ नाइफ जो गैप है गैप में रखे इसे दैट्स इट अभी दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है दो चीज़ इसमें से डिस्कार्ड होगा इसके अंदर से ये जब बंद होता है इसके जो गिल्स रहते हैं वहाँ से पानी सर्कुलेट होता है उसको ऑक्सीजन मिलता है उसमें से तो जो पानी सर्कुलेट होता है बहुत सारा डस्ट भी उसके साथ जाता है अंदर जम जाता है सो आफ्टर ओपनिंग इट रिंस इट वेल अगर कुछ डस्ट दिखेगा एक डस्ट का एक सैक दिखेगा आपको जस्ट रिमूव इट एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज रिम ऑफ इट इसके टॉप में एकदम टॉप में मिलेगा आपको उसको डिस्कार्ड करना वो खा नहीं सकते हो पकने के बाद रबर हो जाएगा वो रिंस इट वेल ये हल्का सा पार बॉयल होगा एक्चुअली बॉयल करने की ज़रूरत नहीं ऐसा सेड यू बट मुझे उसका जो पानी है वो चाहिए आई वॉन्ट टू यूज़ इट फॉर द स्टफिंग मैक्सिमम फ्लेवर्स सारे में यूज़ करने ट्राई करूँगा इसका सॉल्ट देता हूँ जो इसका स्टफिंग बनेगा अपने कलम का निर्चय दैट इज़ द स्टफ मसल्स लेट्स स्टार्ट विथ इट जिंजर गार्लिक चिलीज शैलट्स साथ में इसके कोकोनट आई डू अ थिंग कोकोनट और जो फेनल है इसको हल्का सा टोस्ट कर देता हूँ तो हल्का सा कच्चापन निकल जाएगा क्योंकि बाद में वो जो स्टफ़ और स्टीम होगा उसका कच्चापन बरकरार रहेगा लास्ट तक ओल्ड स्पाइसेस को टोस्ट करने का फंडा तो आप लोगों को पता है अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो पहले वीडियो से सो यू विल नो द टिप्स एंड जो टेक्निक्स है जो मैं यूज़ करता हूँ चिली पाउडर टर्मरिक लाइटली सॉल्ट इसको पीस के ले आता हूँ सो द रीज़न वाई आई पारबॉइल्ड माई मसल्स जी मैं पानी डाल के डाल देना वेस्टेज नहीं होगा यस यू आर राइट साफ भी होगा स्टीम करने के लिए कल मका स्टफ करके अच्छा स्टीम कर लेंगे एंड देन उसका फिनिशिंग होगा जो असली मजा है असली गेम है बाद में होगा इसका सो दिस निकलता पापा शेल टू बी रिमूव ना पापा इज लाइक रिमूव द शेल बट आई विल बी कुकिंग इट विद द शेल फॉर द फ्लेवर अदे एडकंडा पापा अदिया പക്ഷേ അങ്ങനെ ഇല്ല നേരത്തെ റൈസും കൂടി പോയി പോല്ലേ എന്ന് പറയാ അങ്ങനെ പോയൊന്നും പോവില്ല सो वी आर डूइंग इट अलॉन्ग विद द शेल आप इसको बिना शेल के भी कर सकते हो सो दैट्स अनदर वे बट विद द शेल इफ यू डू इट शेल का फ्लेवर आएगा एंड माई डैड इज स्टिल एंग्री ऑन मी कि वाई इज इंट रिमूविंग द शेल ही हैज गॉन इनसाइड टू कंप्लेंट सो लेट्स जस्ट स्टार्ट स्टफिंग इट द मोस्ट डिबेटेबल कलम कैसे हुआ दिस कंसिस्टेंसी शुड बी परफेक्ट सो दिस इज द फर्स्ट सेट ऑफ स्टफ कलमा गाइस आई एम लिटिल टेंस्ड कैसे होगा क्या होगा स्टीम करके बेस्ट ऑफ लक टू मी अदर वे द अदर वे राउंड विच आई डिडेंट यूज आई विल जस्ट शो इट टू यू हाउ इट्स डन सो दिस इज द सेकेंड वर्जन ऑफ इट विच आई एम नॉट कुकिंग इट ऐसे भी कर सकते हैं काम बचेगा डायरेक्टली इसको करके शैलो फ्राई करना है बट मेरे को शेल का फ्लेवर आई वॉन्ट टू गेट अपना जो स्टफ मसल है उसे स्टीम करने डाल देते हैं बस एक 10 मिनट एक स्टीम होगा कि अंदर से उसका डो पके जो स्टफिंग है देयर इज द क्रिटिक नंबर वन सो 10 से 15 मिनट वो स्टीम होगा बट आगे वो फ्राई होने वाला है शायद मेरे क्रिटिक को पता नहीं है वाओ नसीब मुझे एक हल्का डाउट था कि ये डिस्पर्स ना हो जाए बट इट्स नॉट दैट इज व्हाट अगर आपका टेक्निक सही हो जस्ट बी कॉन्फिडेंट एकदम इधर बोलते धैर्य आटे वो एक द सेम थिंग इफ यू आर कॉन्फिडेंट विद व्हाट यू आर डूइंग जस्ट गो फॉर इट एंड द वर्ल्ड विल फॉलो एक हल्का फिनिशिंग की ज़रूरत है वी आर ऑल सेट इसका भी एक स्पाइस पेस्ट बनेगा वो उसमें हल्का सा मैरिनेट होके शैलो फ्राई होके देन वी आर डन हल्का सा ब्लैक पेपर चिली पाउडर
टर्मरिक सॉल्ट, सो विल जस्ट स्टार्ट एडिंग आवर कलमकाज टू इट, जो एकदम स्टीम करके इट्स रेडी. लिटिल मोर ऑयल टू इट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम गोइंग टू शो यू एन इंटरेस्टिंग थिंग दैट हैपेंस हियर. While you shallow fry your fish, what these people do is add little curry leaf to it, to the oil, the tempering oil, and it gives a very distinct flavor to it. I'll show it to you. And another thing, last thing, this is my touch to it. Actually, they don't usually use lemons in it, or might be using. I haven't seen them using it, so I'll just put some lemon and some zest to finish it off. One nice zesty flavor you will get as soon as you start grating it. बस अभी अपना और एक आइटम बचा है जो लास्ट का डेजर्ट है. इट्स क्वाइट स्पेशल. अडा. अडा एक्चुअली अडा का पायसम बनता है, तो ये जो अडा का डिश है स्टीम वाला, बहुत ज़बरदस्त है. हमारी जो शिमू आंटी हैं उन्होंने शुगर के साथ बनाया था, बट शी हैज सेड कि इफ़ यू मेक इट विद जैगरी दैट विल वर्क वंडर्स. सो वी आर डूइंग दैट. ऑल वी ट्राई टू डू इज गिव आवर बेस्ट, बिकॉज हर दिन तो कोई आता नहीं, या खाना हर दिन कोई बनाता नहीं, हर दिन खाता नहीं. सो व्हेन आई एम डूइंग इट, आई विल मेक श्योर दैट आई एम डूइंग द बेस्ट. मेरे कैमरा मैन को भूख लगा है. सो द थिंग दैट शी हैज सजेस्टेड अस इज to use little warm water. That's when you get the ada soft. Add little salt to it. इसका consistency बहुत important है. सही consistency होगा तभी वो एकदम पतला करके फैला जाएगा. गाँव का एकदम fresh jaggery है, color से देख सकते हो. This is not the usual jaggery that we use. We'll just add some coconut to it, the jaggery. हल्का सा हाथ को पानी लगा लूँगा. पानी लगाने से क्या हो रहा है, देखो अच्छे से हैंडल कर पा रहा हूँ इसको मैं. तो उसको अच्छे से फैलाना है, उसको जितना फ्लैट करके फैलाओगे उतना बढ़िया होगा. एंड ट्राई टू डू इट इवनली. तो ये टेक्निक का इंपॉर्टेंस है हर जगह. इसके पहले भी अपने वीडियोस में देखा है, हर जगह कुछ ना कुछ टेक्निक होता है, यूज़ किया जाता है. इसको फैला दिया गया, अब इसमें स्टफिंग आएगा, ये कवर होगा और ये स्टीम होगा. सो ऑल सेट टू पुट इट इन द स्टीमर. इसको कवर करके रख देंगे. एक 10 मिनट स्टीम होगा एंड वी आर डन, बट यू हैव टू कीप ऑन चेकिंग इट. सो वील जस्ट फ्लिप इट ओवर. एंड इट गोज बैक ऑन फ्लेम. आई एम प्रेटी श्योर दैट इट्स डन. यू सी, सो डन इवन अवर अडा सर रेडी. अंकल तो रेडी है. वैसे अंकल के बारे में एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. That is the reason why I chose him, because he belongs to Trivandrum. So what is happening is we are getting best of both the worlds. As in, जैसे मैंने बताया, north और south of Kerala, Trivandrum और Kannur, the place where I am right now. अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं same dish को. So this is going to be like real tough. I just want myself to be in the toughest of the situations. So let me just introduce to you. Best. Hello, Chandraman uncle. Namaskaram. Karam. This is Papa. Chandraman uncle, ide rendu sem vidate vakshanakku nokite nan or I have tried to make it. Idane chatti patiri. Yes. Idane ada sarkara ada dessert. Idane kalmakai. Idi pidium koyum, that combination. Okay. And Papa is already aware of it. Please course you taste it. Chatti patiri is entirely different from the south. Okay. This actually is not the taste of south. It's purely north. North Kerala. Yes. Okay. Nice. But this thing, ada. Each and everywhere. Okay. Ada is the same. But I am not using this. Okay, I understand. Kalimakaya. For health reasons.
a taste of inokyo. Idu pidiyum koyyum. I mean, in the taste. Yes, pidi is good. Pidi is good. So taste. Oh, thank you. Pidiyum koyi. Papa. നിങ്ങളെ മകൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഭക്ഷണമൊക്കെ കേരളത്തിന്റെ ഇത് റൈസ് റൈസിന്റെ കട്ടാണ് അത് ശരിയായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം ഹാർഡായോ ഓഹോ ഓക്കെ താങ്ക് യു നാട്ടിന്റെ പോലെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ ആഹാ ഓ പെർഫെക്റ്റ് പപ്പ കഴിച്ചു നോക്ക് കാൽമകായി ഇത്ര പപ്പല കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് അത് ഇപ്പൊ കഴിച്ചു നോക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് വരി എനിക്ക് ഇത് നല്ല ഷേപ്പായിട്ട് വന്നിട്ടല്ലേ ശിവാണ്ടിയുടെ എനിക്ക് നോക്കുകയാണല്ലേ ഇവിടൊക്കെ ഇത് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കേരളത്തിന്റെ ഓ സോഫ്റ്റ് ആണോ ഓക്കെ താങ്ക് യു ആഹാ സോ ഓവറോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താ യു ഹാവ് സീൻ മീ ഫസ്റ്റ് ടൈം കുക്കിംഗ് ഓൾ ദ കേരള ഫുഡ് വെരി ടേസ്റ്റി ദാറ്റ്സ് നോ ഡൗട്ട് ഓഹോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബട്ട് ഒക്കേഷണലി ഐ ആം യൂസിംഗ് ദീസ് ടു തിങ്സ് ആഹാ ദിസ് വാട്ട് ഈസ് പിടിയും ആ പിടി ആൻഡ് ചതിപത്തിരി ഓഹോ അദർ തിങ്സ് ആർ കോമൺ ഓക്കേ ഓക്കേ സോ ബേസിക്കലി ദേ ആർ ജസ്റ്റ് എൻജോയിങ് ദ മീൽ and I'm very happy about it they said that yes kerala ka taste hai isme that's more than enough for me and maine ye pehli baar banaya hai ghar mein main to bachpan se aa raha hu idhar I've never cooked here anything hey wow you can listen to it even she is surprised ki kalma ka with the shell so I tried making it with the shell jo mera techniques hai jo main use karte aaya hu abhi tak I'm just trying to implement that with the local food that I'm going and checking in places bahut acha laga ek soul filling experience tha मेरे गांव में आके मेरा ही खाना बनाना और मेरे घर वाले से रिव्यू कर रहा है स्पेशली पापा बट इट्स गुड ही वॉज फ्रैंक एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट मतलब ही डिडंट लाइक वीडियो है इसके लिए कुछ बता दे करके बट ही वॉज क्वाइट फ्रैंक अबाउट इट एंड आई लव्ड इट लव दैट पार्ट ऑफ इट एनीवेज ऐसे मिलते रहेंगे और भी जगह जाना है अभी भी और सफ़र बचा है आधे रास्ते में तो पहुंच गए लोग पसंद कर रहे हैं लोगों का मैसेज आ रहा है रिव्यूस आ रहे हैं कि उन्हें पसंद आ रहा है जो वीडियोस है वहाँ का जो लोकल खाना बता रहे गाँव का हम लोग सो बेसिकली आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट और मोटिवेशन मिलता है आप लोग का सपोर्ट से सो बस इसी तरह और जगह जाएंगे क्योंकि असली खाना असली टेस्ट पता है ना क्या है गाँवों में चलो सी यू ऑन द साइट थैंक यू फॉर वॉचिंग माई नेक्स्ट वीडियो विल बी आउट ऑन दिस 29th of July It's going to be something different. Till then, take care and stay safe.